दोस्तों फाइनली इस वीक का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। आखिर क्या क्या देखने को मिला हमें इस वीक मंडे नाइट रॉ के अंदर, तो ये सब पता चलेगा आपको आज की वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, नया टाइम करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें जे उसो करते हुए दिखते हैं। जे उसो पहले आते ही जिम्मी उसो को कॉल आउट करते हैं रेसलमेनिया के लिए। उसके बाद हमें जिम्मी उसो और सोलो स्क्वाड देखने को मिलते हैं। जिम्मी उसो जे उसो को यह बोलते हैं कि तुम ब्लड लाइन को छोड़ के, अपने बड़े भाई को छोड़ के, रोमरेज को छोड़ के मंडे नाइट रॉ के अंदर आ गए कोड़ी उसका साथ देने के लिए। तुमने जो WWE के अंदर अचीव किया है वो मेरी वजह से किया है। जे उसो जिम्मी उसो को यह बोलते कि तुम मंडे नाइट रॉ के अंदर आ जाओ, हम टैग टीम पार्टनर बन के काम करेंगे। जिम्मी उसो नो बोलते हैं। जे उसो जिम्मी उसो को यह बोलते कि रेसलमेनिया के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है जिसके अंदर मैं तुम्हें स्मैश करने वाला हूँ। तभी जे उसो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं जिम्मी उसो के ऊपर, लेकिन तभी सोलो स्क्वाड आते हैं। सोलो स्क्वाड एंड जिम्मी उसो मिलकर जे उसो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सेव करने के लिए जे उसो को कोड़ी रोज आते हैं। पॉल हेमन एडम पियर को यह बोलते हैं कि सोलो स्क्वाड एंड जिम्मी उसो ने जे उसो के ऊपर जो अटैक किया है रोमन रेंस एंड रॉक किसी की वजह से नहीं किया है, उन्हें पता ही नहीं है कि आज रॉक पे सोलो स्क्वाड एंड जिम्मी उसो है। मंडे नाइट रॉ से सोलो स्क्वाड एंड जिम्मी उसो जा चुके हैं। उसके बाद मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें कोड़ी रोज देखने को मिलते हैं जो कि नेक्स्ट शॉट लेते हैं रॉक के ऊपर। कोड़ी रोज यह बोलते हैं कि रॉक ने मेरा, मेरी मोम का, सबका मजाक उड़ाया। मैं रॉक को यह बताना चाहता हूँ, मेरा और कैवी उसका मैच चल रहा था तब उसकी मोम ने मेरी हेल्प की थी। साथ ही साथ रेसलमेनिया के अंदर मैं अपनी स्टोरी को फिनिश करूं या ना करूं, लेकिन मैं रोमन रेंस एंड रॉक दोनों को स्मैश करने वाला हूं। साथ ही साथ रॉक रेसलमेनिया के अंदर 10 साल बाद कंप्लीट करने वाला है, तो रॉक का क्या हाल होगा। उसके बाद हमें पॉल हेमन भी देखने को मिलते हैं। पॉल हेमन यह बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, माय ट्राइबल चीफ रोमन रेंस नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के अंदर आने वाला है, वो भी अकेला। तो मैं कोड़ी उसको यह बताना चाहता हूँ रोमन रेंस के साथ ना तो सोलो स्क्वाड, जिम्मी उसो, रॉक कोई नहीं आएगा। तो मैं कोड़ी उसको यह बताना चाहता हूँ कि तुम स्मैकडाउन के अंदर अकेले आना, किसी के साथ मत आना। तो कोड़ी रोज यस बोल देते हैं। उसके बाद बैक स्टेज कोड़ी रोज को जे उसो यह बोलते हैं कि रोमन रेंस हर मैच में चीटिंग करता है और तुम पॉल हेमन पे कैसे भरोसा कर सकते हो। मंडे नाइट रॉ के अंदर ये जो बोला है पॉल हेमन ने, स्मैकडाउन के अंदर कोई नहीं आएगा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन कोड़ी रोज यह बोलते हैं मैं स्मैकडाउन के अंदर अकेले जाने वाला हूँ। उसके बाद हमें DIY और क्रीड ब्रदर के बीच में नंबर वन कंटेंडर के लिए मैच देखने को मिलता है जिसमें DIY जीत जाती है। उसके बाद हमें डोम डोम और रिकोशी के बीच में मैच देखने को मिलता है जिस मैच में रिकोशी की विन हो जाती है। बैक स्टेज चैट गेबल सैमी जेन को यह बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम रेसलमेनिया के अंदर गुंथर को हरा पाओगे। उसके बाद हमें गुंथर और सैमी जेन कॉन्ट्रैक्ट साइन भी देखने को मिलता है। गुंथर यह बोलते हैं कि मैं लॉन्गेस्ट IC चैंपियन हूँ, मैंने 2 बार रेसलमेनिया के अंदर अपनी 1 चैंपियनशिप को डिपेंड किया है। सैमी जेन मेरे अगर रेसलमेनिया के अंदर टिक भी नहीं पाएगा, मैं सैमी जेन को इजीली हराने वाला हूँ रेसलमेनिया के अंदर। उसके बाद हमें इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन भी देखने को मिला। उसके बाद हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर वीरमान और सांगा वर्सेज आर्ट रूट और मिज के बीच में टैग टीम क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिला जिसमें मिज और आर्ट रूट की विन हो जाती है। उसके बाद मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें एक और क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिला जिसमें न्यू डे की विन हो जाती है। उसके बाद हमें ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें सेथ रोल्स देखने को मिलते हैं। ड्रू मैकइंटायर यह बोलते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर मैं तुम्हें हरा के वर्ल्ड चैंपियन विन करने वाला हूँ। लेकिन सेथ रोल्स ड्रू मैकइंटायर को यह बोलते हैं कि तुम हाइप पाने के लिए तुम मेरे साथ फाइट कर रहे हो रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन ड्रू मैकइंटायर यह बोलते हैं कि तुम रोमन रेंस और रॉक के साथ ऐसे कंप्लीट कर रहे हो इसलिए उस फ्यूड के अंदर हो कि तुम रेसलमेनिया के अंदर और WWE के अंदर हाइप पा सको। लेकिन मैं रेसलमेनिया के अंदर तुम्हें इजली हराने वाला हूँ। उसके बाद मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें मेन इवेंट मैच देखने को मिला बैकी लीच और नाया जैक के बीच में, जो कि वाकई में काफ़ी कमाल का मैच था जिसके अंदर बैकी लीच नाया जैक को राह देती है। दोस्तों कैसा लगा आपको इस वीक का मंडे नाइट रॉ, ये कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर जो भी नए सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड बेल आइकन कोड पे शेयर जरूर कर देना जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।